हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी और शानदार सब्जी बनाएंगे। ये सर्दियों की सब्जी होती है और आजकल गोभी बहुत ही कच्ची कच्ची और बहुत टेस्टी आ रही है, फ्रेश आ रही है एकदम। तो इसे किस तरह से बनाते हैं मैं बता रही हूँ आपको। ये मैंने आलू लिए हैं, 3 आलू लिए हैं और इनको बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिया अच्छी तरह धो के, और गोभी को भी अच्छी तरह धो के और बड़े बड़े पीसेज में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बड़े पीसेज में, नहीं तो छोटे पीसेज में कट करेंगे तो वो मैश हो जाएंगे, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के, और पहले मैंने आलू फ्राई होने रख दिए हैं क्योंकि आलू को थोड़ा हीट ज़्यादा चाहिए, गलने में थोड़ा टाइम लगता है, और गोभी को थोड़ा कम चाहिए हीट और जल्दी से गल जाती है, इसलिए पहले हम आलू को फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। इस तरह से हिलाएंगे, करीब 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद में इस तरह से बीच में गड्ढा करके और बीच वाले हिस्से में जहाँ तेल आ गया है नीचे बॉटम में, वहाँ पे गोभी डाल दिए हमने बड़े बड़े पीसेस, और 2-3 मिनट तक इनको इसी तरह से भाप में होने देंगे। गैस मैंने लो टू मीडियम कर दी है। ये देखिए 3 मिनट के करीब हो गए हैं, इनको फिर से हम हिलाएंगे इस तरह से, और बार बार हमको इस तरह से ढक्कन खोल के देखना पड़ेगा। और अब हम थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरह से हिलाएंगे और फिर हम इसको वापस ढक के रख देंगे एकदम धीरे गैस पे, ये अपने ही भाप में पक जाएंगे। ये 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्रेवी बनानी है ना अभी तो, और इधर फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई हो गए हैं करीब करीब, लेकिन अभी थोड़ा सा और कसर है तो दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है मैंने फ्राई पैन। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। 1 चम्मच तेल डाल दिया है, ये जीरा डाल दिया है, जीरा तड़कने लग गया है, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, और ये 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, और हल्का सा इनको फ्राई करेंगे, और गैस बिल्कुल धीरे कर देनी है नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ये तेज पत्ता भी हो गया है फ्राई, अब हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मस्त आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। और ये लाल मिर्च है थोड़ी, 3-4 पीसे है ड्राई वाली लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल दी है मैंने साबुत वाली। तो ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी है, इसको हल्का सा बस 5-7 सेकंड के लिए फ्राई करना है। और ये टमाटर की जो ग्रेवी बनाई थी हमने ग्राइंडर जार में, टमाटर अदरक और हरी मिर्च, इसको फ्राई करेंगे। गैस अभी मीडियम कर दी है मैंने, और इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए टमाटर की ग्रेवी का, इतना फ्राई करना है करीब 2 मिनट तक। इसको बार बार हम हिलाएंगे, और अब मसाले डालेंगे। तो मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है, और मिर्च मैंने अभी 1.5 चम्मच के करीब डाली है, आपको कम डालनी है तो कम भी डाल सकते हैं।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये एक चम्मच धनिया है, धनिया का पाउडर, ड्राई धनिया पाउडर है। और ये इस तरह से सब ग्रेवी को हिला देंगे और पकने देंगे, करीब 2 मिनट तक पकने देंगे, 2-3 मिनट तक। इस तरह से हिलाना है ताकि नीचे तले में नहीं लग जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, कितना सुंदर ग्रेवी दिख रही है। तो अभी फिर हम पकाएंगे इसको एक बार और, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाना है इस तरह से। ये अब नमक डाल रही हूँ थोड़ा, क्योंकि आलू और गोभी में भी थोड़ा नमक डाला था हमने। ये देखिए कितना अच्छा मसाला सिक गया है। इस तरह से सिकेगा मसाला, जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी, जितना अच्छा सिकेगा, उतनी अच्छी सब्जी बनेगी, टेस्टी बनेगी सब्जी। देखिए तेल रिलीज होना शुरू हो गया है। गैस थोड़ी धीरे कर दी है मैंने। और ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। जैसे टमाटर भी डाल दिए, अमचूर भी डाल दी, और लास्ट में थोड़ा आप नींबू भी डाल सकते हो जब सब्जी बन जाती है ना तब। देखिए ग्रेवी से ही पता चल रहा है कि सब्जी कितनी अच्छी ग्रेवी सीखी है, ये अच्छी बनेगी। अब थोड़ा और डाल दिया है, करीब आधी ग्लास के करीब मैंने पानी डाल दिया है, ताकि ये सारा जो पानी है ग्रेवी का, अभी आलू गोभी जब डालेंगे तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जो दूसरी गैस पे मैंने रख दिए थे आलू गोभी, वो फ्राई हो गए हैं, वो गैस बंद कर दी मैंने। और अब आपको दिखाती हूँ कि कितना फ्राई हुए हैं। ये देखिए गोभी को मैंने चम्मच में लेके इस तरह से प्रेस करा है, तो ये प्रेस हो गई है, लेकिन ज़्यादा मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। 80% तक कुक हुई है गोभी और आलू, तो 20% हम ग्रेवी में कुक करेंगे। तो ग्रेवी में ये देखिए डाल रही हूँ, सारी ग्रेवी डाल दी है। अब इसी के अंदर ये आलू गोभी पक जाएंगे, तो 2-3 मिनट हमको और भी रखना है फ्राई होने के लिए और अंदर पकने के लिए, ताकि ये सारा मसाला आलू गोभी एब्जॉर्ब कर लेंगे और तब हमारी सब्जी बन जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा ये घर का बना हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, तो ये सारा उसमें मर्ज हो जाएगा आलू गोभी में, मसाले में, तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसको इस तरह से हिला के और फिर हमें वापस से ये ढक्कन लगा देना है और फिर 3-4 मिनट तक ये कुक होंगे आलू गोभी और सब मसाला एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो ये सब्जी आप देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है, और इसे आप रोटी, पराठे, पूरी और चावल के साथ भी खा सकते हैं, टिफ़िन में भी सर्व कर सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, पूरे घर में खुशबू आ रही है इतनी अच्छी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों की गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी एब्जॉर्ब भी कर ली है
और आलू गोभी पक गए हैं अच्छे से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गर्मा गर्म ये सब्ज़ी आप सर्व कीजिए, बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आएगी ये सर्दियों की सब्ज़ी। और धनिया से मैंने गार्निशिंग कर दिया है इसको, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। लुक वाइज तो है ही, टेस्ट वाइज भी बहुत मस्त है फ्रेंड्स। तो ये सब्ज़ी खाइए खिलाइए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। आप नींबू भी डाल सकते हैं लास्ट में, आपको और भी टेस्ट लाना हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।